बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के उंडखा गांव में स्थित एक घर में अचानक आसमान से रहस्यमय तरीके से पत्थर गिर रहे हैं, जिसके बाद हर कोई व्यक्ति हैरान है। खास बात यह है कि पत्थर पिछले 3 दिनों से लगातार गिर रहे हैं, जबकि पत्थर फेंकने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। परिवार के लोग सहमे हुए हैं। वहीं सूचना पर पहुंचे एसपी दीपक भार्गव शनिवार को फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 2-3 घंटे तक पुलिस उन घरों में जमी रही। पुलिस के मुताबिक हमारे सामने भी आसमान से 2 बार पत्थर गिरे। एक बार तो हमने सोचा कि किसी ने फेंका होगा, लेकिन दूसरी बार फिर दूसरी दिशा से गिरा और उस तरफ कोई आदमी भी नहीं था। यह आश्चर्य का विषय है। पत्थर कोई स्पेशल नहीं है, गांव में जैसे पत्थर हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिसकर्मियों को हर वक्त निगरानी रखने और कैमरे लगाकर वीडियोग्राफी करने के भी निर्देश दिए हैं। मैं सूचना मिली थी कि पुंजड़ों की बस्ती उंडखा में 3 घरों पे पिछले 2-3 दिन से पत्थर गिर रहे हैं। इस सूचना पर मैंने सरपंच साहब से बात की। सरपंच साहब ने कहा कि मुझे भी सूचना मिली, हम वहीं गांव चल के देखते हैं। फिर मैं सरपंच साहब के साथ यहाँ आया। आने के बाद मैंने देखा तो मेरे सामने भी 2 पत्थर गिरे। पहला पत्थर तो हमने ये सोचा हो सकता किसी बच्चे ने गिराया, फिर दूसरा दूसरी दिशा से आया, उस साइड में कोई आदमी भी नहीं था। एकदम हमने देखा तो थोड़ा सा लग तो रहा है, एक प्रथम दृष्टया आश्चर्य का विषय है। प्रथम दृष्टया का भाई ये इस प्रकार, और पत्थर वो है जो आसपास के पड़े हुए पत्थर जो है यहाँ के पहाड़ियों से लाए हुए या मकान से टूटे हुए, वही पत्थर है, कोई स्पेशल पत्थर कुछ नहीं है। हमारी तरफ से तो ये मानना है, ये अंधविश्वास है। परिवार के लोगों की काउंसलिंग करवाएंगे और इनको बताया भी कोई भी दिक्कत हो तो मनोचिकित्सक से या वैसे चिकित्सक से सलाह लें, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। प्रशासनिक मदद की आवश्यकता तो हम तैयार हैं।